हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम श्रुटी पटेल टीचर ऑफ सीन के जी टूडे वी आर लर्निंग अबाउट मैथ्स सब्जेक्ट सो बच्चों मैथ्स में कंप्लीट आज हमें क्या करना है नया लेसन स्टार्ट करना है लेसन नंबर टेन मल्टीप्लीकेसन ओके मल्टीप्लीकेशन okay? का मतलब क्या होता है जो हम लोगों ने हमारे टेबल्स जो लर्न किए हमने राइट किए उसमें जो आता है वो एक जैसा मल्टीप्लिकेशन ही होता है हमारे टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर के साथ दिया गया है वो मैं पहले आपको समझाऊंगी उसके बाद हम जो टेक्स्ट बुक में हैं वो पिक्चर के साथ वाला सम्स वही हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम विदाउट पिक्चर्स भी करेंगे ओके सो so आपको मैं आज सिखाने वाली हूँ कि मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है अगर आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे तो आपको जो हमने फाइव टक टेबल लर्न किया है उसके आगे के भी सारे लर्न हो जाएंगे और अगर आपने अच्छे से टेबल लर्न किए होंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको आसानी से आ जाएंगे ओके सो लेट सी ओके डिस लेसन नंबर टेन मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या करना है बच्चों देखो यहाँ पे थ्री वाटरमेलन है यहाँ पे और थ्री है तो थ्री और थ्री प्लस करके हमने यहाँ पे लिखा सिक्स वाटर ओके आपको ध्यान देना है अच्छे से देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ थ्री वाटर मेनल्स यहाँ पे दो ग्रुप्स है और दोनों ग्रुप में थ्री थ्री तरबूज है ओके वी हैव सिक्स वाटर मैनल इन टोटल हमारे पास सिक्स तरबूज है वी राइट इट हैज थ्री 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 है लेकिन कितनी बार है कितना ग्रुप है दो तो मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू सिक्स यानी कि ये जो थ्री है वो दो ग्रुप में है तो थ्री को हमने दो बार गिना तो हमारा आंसर आया सिक्स दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन इसको हम क्या बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे वी रीड इट हैज़ थ्री टूज आर सिक्स हम लोग जैसे टेबल बोलते हैं थ्री टू जार सिक्स तो ये यही है थ्री टू जार सिक्स ओके अगर आपको अच्छे से टेबल आता होगा तो आप ये बिना घीने भी कर पाओगे हियर ये जो साइन है क्रॉस की इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल टू इज़ द साइन ऑफ इक्वल टू ये जो है वो इक्वल टू की साइन है और ये जो क्रॉस है वो मल्टीप्लीकेशन की है जैसे एडिशन में हमने स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की थी फिर हमने सबस्ट्रेक्शन में ओनली स्लिपिंग लाइन की थी वैसे यहाँ पे स्लेंटिंग है ओके दोनों तरफ स्लेंटिंग है सो so, यहाँ पे देखो दूसरा एक एग्जांपल है यहाँ पे टू इरेजर्स है प्लस और टू इरेजर है और यहाँ पे टू इरेजर है चलो टू प्लस टू प्लस टू तो कितना हुआ थ्री हुआ थ्री ग्रुप हुए देखो यहाँ पे दो ग्रुप थे लेकिन यहाँ पे थ्री ग्रुप है और इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा सिक्स ही आएगा क्योंकि डो डो और दो सिक्स होता है तो हम इसको कैसे ब लिखेंगे देखो यहाँ पे सिर्फ टू ग्रुप था और थ्री जो चीज़ थी वो थी तो थ्री टू जार लिखा और यहाँ पे देखो टू इरेजर है लेकिन थ्री ग्रुप है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू थ्री ज़ार सिक्स दोनों का आंसर तो सेम ही होता है लेकिन आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है जैसे कि यहाँ पे ये एक मैं निकाल दूँ चलो तो टू इरेजर प्लस टू इरेजर तो कितना होता है इज इक्वल टू फोर होगा तो हम कैसे लिखेंगे टू इरेजर है मल्टीप्लाई टू ग्रुप्स है तो इज इक्वल टू सू इज इक्वल टू फोर यानी कि टू टू जार फोर समझ में आ रहा है बच्चों जैसे कि यहाँ पे मैं ये पेन ले रही हूँ चलो ये पेन मैंने यहाँ पे लिया अब यहाँ पे मैं ये जो दो ब्लैक पेन है उसको एक तरफ कर रही हूँ और ये पेन दोनों है वो एक तरफ कर रही हूँ चलो ये दो ग्रुप है और दोनों में दो दो पेन हैं तो टू टू ज़ार इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये सब मिला के कितना हो जाएगा फोर समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने जो टेबल्स लर्न किए हैं वही है यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको ऐसा पूछा जाए टू थ्री ज़ा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको सिक्स खुद लिखना पड़े तो अगर आपको आता होगा तो आप खुद ली पा लिख पाओगे अच्छे से टेबल्स लर्न किए होंगे तो और अगर टेबल लर्न नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं हमने जैसे यहाँ पे पिक्चर्स हैं और हम जैसे एडिशन में सब्स्रेपन में लाइन ड्रॉ करते थे वैसे यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ओके चलो अब जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे देखो हाउ मैनी एप्पल्स हेयर फोर एप्पल्स हेयर ओके और फोर एप्पल है लेकिन कितने ग्रुप है देखो यहाँ पे वन टू थ्री थ्री ग्रुप्स है और फोर एप्पल है तो हम कैसे लिखेंगे फोर थ्री जार ट्वेल्व कैसे होता है ट्वेल्व यहाँ पर ये यह जो फोर है ना वो आपको गिनना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओके हुआ ट्वेल्व ये क्या है पीस पीस हाउ मैनी पीस योर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पीस इन वन ग्रुप ओके फाइव पीस वन ग्रुप में है ऐसे कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फोर ग्रुप है तो हमें कैसे लिखना है फाइव फोर जार अब आप गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो फाइव फोर जार ट्वेंटी देखो बच्चों अगर आपको टेबल आता होगा तो आप खुद लिख दोगे फाइव फोर जार ट्वेंटी नेक्स्ट यहाँ पे देखो हाउ मैनी मैंगोज आर देर यहाँ पे कितने मैंगोज है थ्री मैंगोस हैं इन वन ग्रुप वैसे यहाँ पे कितने ग्रुप्स है जिसमें थ्री थ्री मैंगोस है वन ग्रुप टू थ्री फोर फाइव फाइव ग्रुप्स है और थ्री मैंगोस है तो क्या आएगा थ्री फाइवर फिफ्टीन आपको ये तो आता होगा नेक्स्ट हाउ मैनी व्हील्स आर देयर इन द कार चलो ये कितनी कार है थ्री कार है और एक कार में कितने व्हील्स होते हैं फोर होते हैं ना एक कार में फोर है तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे एक ग्रुप में फोर कार है ऐसा समझ लेते हैं चलो यहाँ पे एक ग्रुप है उसमें फोर कार है दूसरी ग्रुप है उसमें फोर है और तीसरा है उसमें भी फोर है ओके समझ में आया तो फोर और थ्री ग्रुप है तो फोर थ्री जार ओके well, okay, समझ में आया नेक्स्ट हनी व्हील्स आर देर इन अ बाइसिकल चलो ये बाइसिकल है एक बाइसिकल में कितने व्हील्स है एक बाइसिकल में टू व्हील्स है तो यहाँ पे टू यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी टू और यहाँ पे भी टू ओके टू व्हील्स है एक ग्रुप में वैसे चार ग्रुप है तो टू फोर जार कितना होता है एट अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हुआ ना एट ओके बच्चों समझ आया? में आया इसमें कुछ नहीं है आपको कंफ्यूज नहीं होना है जैसे हम लोगों ने एडिशन में प्लस किया था लेकिन वो क्या था कि आपको जितना दिया गया है उतना ही आपको प्लस करके लिख देना था लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो फोर है उसको आपको थ्री बार गिनना है जैसे हम एडिशन में क्या करते थे कि यहाँ पे फोर था तो हमने वन टू थ्री फोर लिख दिया और यहाँ पे थ्री है तो हमने वन टू थ्री लिख दिया तो इसका आंसर हो गया सेवन लेकिन यहाँ पे क्या करना है बच्चों ये थ्री जो है वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है लेकिन ये जो फोर है उसी को आपको तीन बार यहाँ पे लिखना है जैसे कि एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे दोबारा लिखो वन टू थ्री फोर और तीसरी बार भी लिखो वन टू थ्री फोर और अब इन सबको साथ में गिनो आंसर आएगा ट्वेल्व समझ में आया और अगर आपने टेबल लर्न किए होंगे तो तो आप ऐसे ही लिख दोगे बिना गिने ही सो so, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का जो पेज है वो करेंगे और हम उसके बाद थोड़ा बहुत हमारी नोटबुक में भी करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा ओके सो so, आज के लिए इतना ही बाय बाय